स्वागत है आप सभी का हमारे इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल हेडवे ऑनलाइन ट्यूटोरियल में। आज मैं आपके लिए क्रेजी साइंस नॉलेज में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि चिड़िया को करंट क्यों नहीं लगता और हमें करंट क्यों लगता है। उससे पहले यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे बिना किसी रुकावट के। चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आप में से सभी को कभी ना कभी करंट तो लगा ही होगा। आप जानते हैं कि जब हम बिजली की किसी खुली सर्किट को छू लेते हैं तो हमें बहुत जोर की करंट लगती है और इस करंट से हम घायल भी हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि जो चिड़िया होती है वह हाई टेंशन वायर पर भी बड़े मजे से फुदकते रहती है, उसे बिजली का झटका नहीं लगता है। तर्क ये दिया जाता है कि चिड़िया अंडा देता है इसलिए उसे करंट नहीं लगता है और आप मान लेते हैं। दोस्तों मैंने तो ये भी देखा है कि स्कूल के टीचर्स भी यही तर्क देते हैं जिसे बच्चे सच मान लेते हैं और भ्रांति में रहते हैं। और चमगादड़ की बात आती है तो वे बोल देते हैं कि चमगादड़ अंडा नहीं देता इसलिए उसे करंट लग जाता है। तो आज मैं आपके डाउट को क्लियर कर दूंगा। आज मैं आपको बताऊंगा असली वजह चिड़िया को करंट क्यों नहीं लगता और हमें करंट क्यों लगता है। दोस्तों चिड़िया और हमारे दोनों के ही बॉडी में खून रहता है और खून सॉल्टी रहता है, नमकीन रहता है। और आप जानते हैं कि सॉल्ट वाटर इज़ द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नमकीन पानी जो होता है वह इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ही अच्छा सुचालक होता है। दोनों के ही बॉडी में खून रहने के बावजूद चिड़िया को करंट क्यों नहीं लगता, यह सोचने वाली बात है। चलिए आगे देखते हैं। जब तक सर्किट पूरा नहीं होता दोस्तों तब तक करंट नहीं लग सकता है। देखिए चिड़िया एक ही तार पर बैठता है जिससे सर्किट पूरा नहीं हो पाता है और वह बड़े मजे से तारों पर फुदकती रहती है। लेकिन आपने देखा होगा कि चमगादड़ जो होता है वह ऊपर की तार पर बैठता है, उसकी आदत होती है कि वह नीचे की ओर लटकता है जिससे वह दो तारों के बीच के संपर्क में आ जाता है और सर्किट पूरा हो जाने के कारण चमगादड़ को करंट लग जाता है और चमगादड़ इस तरह मर जाता है करंट से चिपक कर। दोस्तों हम जानते हैं कि करंट एक ही तरह के इलेक्ट्रॉनों का आगे की ओर बढ़ना होता है। यही इलेक्ट्रॉन बिजली के तारों के सहारे हमारे घर तक पहुंचता है और सर्किट के द्वारा जमीन में चला जाता है जिससे सर्किट पूरा हो जाता है। आइए हम इसके कुछ साइंटिफिक कारण जान लेते हैं। इलेक्ट्रॉन हमेशा आगे की ओर बढ़ता है और इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने के लिए सर्किट का पूरा होना जरूरी है। सर्किट पूरा न होने पर करंट फ्लो नहीं होगा और हमें झटका नहीं लग सकता है। आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रिक पोल में तीन वायर होते हैं, आर वाई एंड बी, रेड येलो एंड ब्लू इसको बोला जाता है। ये तीनों ही फेज होते हैं लेकिन जब तक यह फेज एक दूसरे के संपर्क में नहीं आते तब तक सर्किट पूरा नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन हमेशा कम बाधाओं वाला रास्ता खोजता है। इलेक्ट्रॉन धातुओं के सहारे होते हुए आगे बढ़ता है लेकिन यदि कोई चिड़िया उसे खुले तार पर बैठ जाता है तो उसे करंट नहीं लगता है। लेकिन उसी तार को जब हम छूते हैं तो करंट लगता है। कारण यह है कि हमारा संपर्क नीचे से भी होता है जिससे सर्किट पूरा हो जाता है और करंट लग जाता है। तो यह मत सोचिए कि चिड़िया को अंडा देने के कारण करंट नहीं लगती है, तो आप इस बात को भूल जाइए और असली रीजन समझ जाइए कि सर्किट पूरा ना होने के कारण उसे करंट नहीं लगता और सर्किट पूरा होने के कारण हमें करंट लग जाती है। चलिए दोस्तों धन्यवाद आज का वीडियो देखने के लिए और नीचे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके बताइए कि आज का वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।